आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 28। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कुल वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18। अब देखिए मॉडल पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 7 आवर्त होते हैं जो लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो खनिज से एवं अयस्क से जब धातु प्राप्त होता है तो उसे हम लोग धातु क्रम कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं। नेक्स्ट है रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो रणनीतिक धातु हम लोग किसको कहते हैं, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट है अयस्क की उपस्थिति अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थिति अशुद्धि को कहते हैं। तो जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए जब किसी भी अयस्क में गैंग होते हैं, यानी गैंग क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ को जब हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो पदार्थ मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो गैंग और फ्लक्स, देखिए जब अशुद्धियां होती हैं तो कहता है गैंग कहलाता है, और गैंग को हटाने के क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और ये जो पदार्थ बनते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, धातु मल कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड सिल्वर अयस्क है तो चांदी चांदी का। नेक्स्ट है हेवी स्पार अयस्क है तो बेरियम का क्या है, ये अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन में क्या होती है, जलती है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, तो लोहे में क्या होता है, फेरक एवं फेरक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट लोहे का शुद्धतम रूप है, तो देखिए जो प्योर रूप से लोहा माना जाता है वो किसको माना जाता है, पिटवा लोहे को शुद्ध रूप का आयरन माना जाता है। नेक्स्ट है कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो Fe2S को हम लोग क्या करते हैं, झूठा सोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तांबे का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तो तांबे का शत्रु गंधक को कहते हैं। नेक्स्ट चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो चांदी का जो निष्कर्षण होता है उस अयस्क का नाम है आपका अर्जेंटाइट्स। नेक्स्ट है हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादकों पर लगाया जाता है, तो स्वर्ण आभूषणों पर किसका हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है, जिसको देखकर ही लोग सोना को खरीदते हैं। नेक्स्ट है बेवकूफों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो क्या होता है, पायराक्साइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट सोने को क्या कहते हैं, शुद्ध हम लोग सोना कहते हैं। लक्ष्य क्या है कि 18 कैरेट सोना में क्या होता है, तो 18 कैरेट जो सोना होता है वो कितना परसेंट होता है, 75% होता है। जो आभूषण हम लोग जो मार्केट में बिकते हैं वो 75 से 80 या 85% के सोना बिकता है, कभी भी 24 कैरेट प्योर गोल्ड का आभूषण नहीं बनता है। ओके थैंक यू।